हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये देख सकते हैं मेरा ये वेंडिंग जू का प्लांट है जो कि मैंने कटिंग से ग्रो किया था, तो बहुत ज़्यादा ही बुशी हो गया है। मैं सोच रही हूँ आज इससे जो है मैं हैंगिंग बनाने वाली हूँ एक प्लास्टिक बॉटल में। तो यहाँ पे ये कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल होती है इसमें जो है मैंने ये देख सकते हैं काट करके इसमें छोटे छोटे से होल बना लिए ताकि इसमें से जो है पानी अच्छे से निकल सके, ड्रेन हो सके। और यहीं पर इसको टांगने के लिए भी मैंने होल बना लिया है दोनों तरफ में, और एक रस्सी ले ली है जिसकी मदद से मैं इसको टांगने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं इसमें मिट्टी डाल लूँगी। तो मिट्टी जो है आप कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप मतलब मिट्टी और फिर अलग अलग जैसे कि कंपोस्ट वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास कंपोस्ट है तो वो भी मिला सकते हैं, मगर मेरे पास ये जो है मेरे पॉट में मिट्टी थी जो, उसी को मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो अभी इस मिट्टी को डालने के बाद में जो है मैं यहाँ पर पहले अच्छे से इसको फिल कर लेंगे जितनी हमें मिट्टी की ज़रूरत है उतना। और अभी बारिश का टाइम है तो मेरी मिट्टी ऑलरेडी गीली है पहले से, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है बारिश का टाइम चल रहा है तो यहाँ पर ऑलरेडी इसमें जो है निकल चुकी है रूट्स। वरना वैसे भी अगर आप बिना रूट के भी इसको लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाता है, क्योंकि ये जो मैंने मेरा ये जो प्लांट है वेंडिंग ज्यू का, ये मैंने ऐसे ही जो है कहीं से तोड़कर मैं लाई थी और लगाया था। और अभी आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा बुशी हो गया है, बहुत ही ज़्यादा घना हो गया है। तो आसानी से आप इसको तोड़कर और लगा सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है। ये देख सकते हैं बहुत ही आसानी से इसके रूट्स जो है ग्रो हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। तो आप इसको आराम से ला करके कहीं से भी और इसको मिट्टी में लगा सकते हैं। तो इसके जो है मैं थोड़े थोड़े से जो है तोड़ लेती हूँ और उसको ऐसे ही मैं इसमें लगा लूँगी होल बना बना कर इसमें। देख सकते हैं ऐसे ही आप चाहे तो इसको पॉट में लगा लीजिए, या फिर बहुत सारे लोग हमारे पास होते हैं जैसे जो भी हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर आते हैं तो उसकी जो बॉटल्स होती हैं हम लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। तो अगर हम चाहे तो इसमें जो है छोटे छोटे से ये हैंगिंग्स बनाकर अपने बालकनी में या फिर खिड़की में कहीं भी लगा सकते हैं, और बहुत ही सुंदर ये देखने में लगता है। तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, इसे बहुत ही अच्छा लगता है। होप जो वीडियो है आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा साथ में, ताकि सभी नोटिफिकेशन जो होती हैं आप लोगों को ज़रूर मिले। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर जो है मैंने एक एक करके सभी जो वेंडिंग जू की मैंने कटिंग ली थी वो मैंने इसमें लगा दी है। तो नाइफ़ की मदद से मैंने इसमें जो है होल किया था और उसी में जो है मैंने ये कटिंग ली थी वो सब मैंने इसमें लगा दिए हैं, देख सकते हैं। और अभी जो है मैं इसको रस्सी से टाई अप करके और जो मेरी बालकनी की जो ग्रिल है उसी में मैं इसको बांध दूँगी। ये देख सकते हैं कितना सुंदर ये देखने में लग रहा है, अभी कितनी आसानी से ये लग जाता है। और यहाँ पे जो है मैंने इसको बांध दिया है, अब थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और हमारा ये जो वेंडिंग जू का हैंगिंग है ये बनके तैयार है। देख सकते हैं थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।